राम राम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सनी। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल घुमक्कड़ पर। और आज हम लोग जा रहे हैं करतारपुर कॉरिडोर, और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं। दोस्तों, यहां पहुंचने के लिए मैं सुबह 6 बजे अमृतसर से निकल गया था। वहां के बस अड्डे से डेरा बाबा नानक की बस पकड़ी थी, और कुछ 8 सवा 8 बजे 2 घंटे में मैं डेरा बाबा नानक पहुँच गया। और वहाँ से करतारपुर कॉरिडोर सिर्फ 3-4 किलोमीटर रह जाता, जहाँ आप ई रिक्शा से भी जा सकते हैं, और मैंने वही किया, मैं ई रिक्शा से यहाँ पहुँच गया। दोस्तों, यहाँ करतारपुर कॉरिडोर में एंटर होने से पहले ही BSF वाले आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, जिसमें आपका पासपोर्ट होगा, ETA चेक किया जाएगा, और RT-PCR की रिपोर्ट चेक की जाएगी। उसके बाद आपके बैग की स्कैन चेक होगा, उसके बाद आपको अंदर भेजा जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सनी, और आज मैं पहुंच गया हूं करतारपुर कॉरिडोर। फाइनली मैं सालों से ये प्लान कर रहा था, और आज मुझे मौका मिला और मैं करतारपुर कॉरिडोर एंटर करने जा रहा हूं। ये है करतारपुर कॉरिडोर। अभी यहां पर मेरे सामान की चेकिंग हुई बाहर, और पासपोर्ट और वो सब देखा गया। अब अंदर जा रहा हूं मैं। चलिए आगे चलते हैं, और मैं मिलता हूँ मैं आपसे अंदर। ये देखिए यहाँ पे कितना सुंदर गेट बनाया गया है, और यहाँ से एंटर करके ये सामने श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर का मेन एंट्रेंस। यहीं पे सारा चेकिंग करने के बाद मैं अंदर जाऊंगा, और फिर वहां से बॉर्डर तक जाऊंगा, 0 पॉइंट तक। अभी मुझे सामान जमा करना है, सामान जमा होने के बाद मैं अंदर जाऊंगा, फिर आगे आपको अंदर का दिखाता हूं। ये देखिए बाहर कितना सुंदर सजाया गया है, और आपको यहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर बाई चांस आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप यहाँ पे SBI के ATM है, यहाँ से आप पैसे भी निकलवा सकते हैं। बट ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फ़ोन चलना बिल्कुल बंद हो जाता है, क्योंकि ये बॉर्डर के पास का एरिया है। मैं जैसे अंदर आया, फ़ोन बिल्कुल बंद हो गया था, तो आप पहले ही जिसको फ़ोन करना हो फ़ोन कर सकते हैं। अब हम लोग अंदर चलते हैं, हमारा सामान जमा हो गया है श्री करतारपुर साहब कॉरिडोर ICP डेरा बाबा नानक। ये देखिए यहाँ लोग आए हैं, सब अपनी फोटो खिंचवा रहे हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग अंदर चलते हैं। ये देखिए ये सामने, ये उनके प्रवचन लिखे हुए हैं। सिक्योरिटी चेक के बाद हम लोग अंदर इमिग्रेशन ऑफिस पहुंच गए हैं, और यहां पर पेपर फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद हमें यहां पर पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाएगी। आप देख सकते हैं सामने पोलियो ड्रॉप्स के लिए बुलाया जा रहा है। तो दोस्तों, हम सब अपना इमिग्रेशन और कस्टम चेक कराने के बाद बाहर निकल चुके हैं 0 लाइन पर जाने के लिए, और फिर वो पार करके हम लोग पाकिस्तान बॉर्डर जाएंगे करतारपुर कॉरिडोर। ये देखिए दोस्तों, एक बात बताना मैं आपको भूल गया, हमें इंडिया में पोलियो ड्रॉप्स इसलिए पिलाई जाती है क्योंकि पाकिस्तान में अभी भी पोलियो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, जिससे हम सेफ रहें। इस वजह से ये देखिए हमें गाड़ी छोड़ के जा रही है, और मैं अकेले इसमें आया था आज, क्योंकि कोई भी नहीं था। वो देख सकते हैं दोस्तों, वो सामने पाकिस्तान है, ये 0 लाइन है सामने, इसको क्रॉस करके मैं पाकिस्तान में एंटर करूंगा। देखिए ये है 0 लाइन, और सामने बस लगी हुई है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं पाकिस्तान एंटर करते हैं, और मैं 0 लाइन क्रॉस करने ये पहुंच गया मैं पाकिस्तान। ये सामने पाकिस्तान का गेट,
पुलिस को क्रॉस करके अभी हम लोग अंदर चल के आए। और ये देखिए दोस्तों, हम लोग बॉर्डर से पाकिस्तान में एंटर कर चुके हैं और ये सामने वेलकम टू पाकिस्तान का बोर्ड लगा हुआ है, जिसको पार करके हम लोग पाकिस्तान इमिग्रेशन ऑफिस जाएंगे। पाकिस्तान का इमिग्रेशन सेंटर। ये देखिए, ये सारी संगत हमारे साथ गुरुद्वारे दर्शन करने के लिए जा रही है। ये हम लोग पाकिस्तान इमिग्रेशन सेंटर पहुंच गए हैं और यहाँ पे बस से उतरते ही यहाँ कोविड रिपोर्ट और ईटीए चेक किया गया। ये देखिए, बाकी लोग अपना कोविड रिपोर्ट और ईटीए चेक करवा रहे हैं। और ये देखिए, ये वो बस है जिसमें बैठ के हम लोग यहाँ पाकिस्तान इमिग्रेशन सेंटर आए हैं 0 लाइन से, और ये बस मेड इन चाइना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए यूटोंग उनका ब्रांड लिखा हुआ है चाइना का। चलिए अब अपन चलते हैं आगे, जहाँ पे हमारे $20 जमा होंगे और वहाँ पे हमें पर्ची काट के दी जाएगी। ये है वो काउंटर दोस्तों, यहाँ पर आप पाकिस्तानी रुपए भी ले सकते हैं चेंज करवा कर। यहाँ पे आप फॉरेन करेंसी बदलवा सकते हैं, अगर आप डॉलर नहीं लाए तो यहाँ पे आप चेंज करवा सकते हैं। दोस्तों, ये जो $20 की फीस यहाँ पर गुरुद्वारे में जमा होती है, वो अगर आप इंडिया में ही एक्सचेंज करा के ले आए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको अच्छा बेटर एक्सचेंज रेट मिल जाएगा, क्यों और पाकिस्तान में वो थोड़ा ज़्यादा महंगा है। हमारी फीस जमा हुई है $20, इसके बदले में रिसिप्ट मिलेगी और फिर हम लोग अंदर जाएंगे। ठीक है सर। और ये सामने पाकिस्तान इमिग्रेशन ऑफिस की बिल्डिंग है, इसी के अंदर जाके हम लोग अपनी चेकिंग करवाएंगे और उसके बाद आगे गुरुद्वारे दर्शन के लिए जाएंगे। ये है पाकिस्तान का इमिग्रेशन काउंटर, यहाँ पे अभी हमारी चेकिंग हुई है, $20 की पर्ची भी यहाँ पे जमा हो गई है। अब हम आगे चल रहे हैं बस में बैठने के लिए और फिर निकलेंगे हम गुरुद्वारे करतारपुर साहिब। यहाँ का विजिटिंग कार्ड मिल गया है, इसको पहन के हमें अंदर जाना है। इंडियंस के लिए येलो विजिटिंग कार्ड है और पाकिस्तानी के लिए ब्लू विजिटिंग कार्ड। इमिग्रेशन काउंटर की बिल्डिंग, जिसके अंदर से भी हम लोग बाहर आए हैं, बस जिसमें बैठ के अभी हम लोग गुरुद्वारे जाएंगे करतारपुर साहिब। पब्लिक अंदर बैठ चुकी है, मैं भी अंदर चलता हूँ। ये हमारे साथ कुछ पाकिस्तानी नागरिक बस में सफर कर रहे हैं और ये गुरुद्वारे से पहले ही उतर जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये सामने रावी नदी काफी जोर से बह रही है। ये वही नदी है जो हिमाचल के कांगड़ा जिले से शुरू होती है और आगे जाके पाकिस्तान में निकलती है। ये देखिए सामने गुरुद्वारा करतारपुर साहिब का बोर्ड लगा हुआ है। हम लोग पहुंच गए करतारपुर गुरुद्वारा। फाइनली पाकिस्तान के अंदर है हम लोग। ये आगे वहाँ पे उनके खेत हैं गुरु नानक देव जी के, निशान साहब भी आगे बना हुआ है, अभी सब आगे चल के देखेंगे हम लोग। यहाँ पे हमारी अभी ब्रीफिंग हुई है,
गुरुद्वारे के बारे में सब कुछ बताया गया है। यहाँ पे ये जोड़ा घर है जहाँ पे हमने अपने जूते जमा करवाए हैं, टोकन मिल गया है। अब हम लोग आगे निकलेंगे गुरुद्वारा दरबार साहिब में दर्शन करने के लिए। ये हमारे यहाँ का स्टाफ बैठा है, हमारे पाकिस्तानी भाई लोग। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा करतारपुर साहिब, जो आज हम दर्शन करने आए हैं। ये सामने रास्ता जा रहा है सरोवर साहिब को, जहाँ पर हम जाकर स्नान कर सकते हैं। दोस्तों ये संगत हमारे साथ आई है दर्शन के लिए, लुधियाना, पंजाब और बहुत अलग अलग जगहों से लोग आए हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है गुरुद्वारा, कितना बड़ा गुरुद्वारा है। ये देखिए दोस्तों, ये सामने गांव है पाकिस्तान का, आप देख सकते हैं ये घर बने हुए हैं। ये है सरोवर साहब, जहाँ पर संगत आकर स्नान करेगी और फिर बाबा जी के दर्शन करेगी। ये देखिए गुरुद्वारा साहब का मास्टर प्लान। ये देखिए दोस्तों, ये करतारपुर साहिब का गुरुद्वारा, ये पूरा कैंपस। ये देखिए दोस्तों, गुरुद्वारे की जस्ट बाहर ही ये पाकिस्तानी भाइयों ने मज़ार बनाई हुई है गुरु नानक देव जी की, क्योंकि वो भी उनको उतना ही मानते थे, वो उनको अपना पीर मानते थे, इसलिए यहाँ पर मज़ार भी बनी हुई है। और ये गुरुद्वारे के अंदर गुरु नानक देव जी की समाधि बनी हुई है। कुआं, यही है वो कुआं जहाँ से खेती के लिए पानी लिया जाता था। बाबा जी यहीं से पानी खेतों तक पहुँचाते थे। ये देखिए दोस्तों, बोलते हैं इंडियन आर्मी ने 1971 में बॉम्ब गिराया था, तो वो बॉम्ब यहाँ कुसा में, यानी यहाँ के कुएं में आके गिरा था, और ये बॉम्ब कभी फटा नहीं, आज तक ये बॉम्ब वैसे ही है जिंदा। ये बाबा गुरु नानक देव जी के चमत्कार ही बोल सकते हैं कि कभी ये बम फटा नहीं। चलिए अब दर्शन तो हो गए बाबा जी के, अब अपन चलते हैं लंगर चखने। बहुत सुंदर गुरुद्वारा बना है दोस्तों, दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। देखिए दोस्तों, कितना बड़ा गुरुद्वारा है, इसको दुनिया का सबसे बड़ा गुरुद्वारा बोला जाता है। और यहाँ पे बहुत साफ सफाई है, आप देख रहे हर टाइम साफ सफाई यहाँ चल रही है। ये है यहाँ का लंगर हॉल, अभी की संगत बैठ के खाना खा रही है। और ये इसके अंदर यहाँ पे खाना रखा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे प्रसाद रखा है।
यहाँ पे सब साथ बैठे सारे, वो आप देख सकते हैं एक तरफ हिंदुस्तानी बैठे और दूसरी तरफ पाकिस्तानी आमने सामने बैठ के खाना खा रहे हैं। यहाँ पे सब ऐसे ही साथ बैठ के खाना खाते हैं। यहाँ की किचन है, यहाँ पे खाना बनता है। घी बन रहा भाई जी, चाय चाय बन रही भाई जी। कितनी बड़ी बड़ी भट्टियाँ रखी हैं, इन्हीं में खाना बनता है। भाई जी आपका नाम की? नरेश। आप कहाँ से? सिंध से। ये हमारे नरेश भाई हैं सिंध से। ये दाल रखी भाई जी, ये देखिए वो दाल बनी हुई रखी है। ये की भाई मीठे चावल है। यहाँ पे लंगर खाने के बाद यहाँ पे बर्तन धुल रहे हैं, प्लेट लेट ये देखिए सेवाकार सेवा कर रहे हैं, बर्तन साफ कर रहे हैं। घर पर सादा बनाया जाता है। बहन जी की नाम है तोड़ा? कौशल। आप कहाँ से हो? नारवाल से। अच्छा जी, खाना खा रहे हैं, हिंदू भी बैठे हैं, पाकिस्तानी भी बैठे हैं। ये है लंगर, चने की और उड़द की दाल, चावल, रोटी और ये आलू करेले की सब्जी। देखते हैं मार्केट और देखते हैं मार्केट में क्या मिल रहा है। यहाँ से कुछ लेके चलते हैं वापस भारत। ये सामने रास्ता जा रहा है मार्केट के लिए। मार्केट इस गुरुद्वारे के पीछे ही बनी हुई है। वो देखिए उधर घर बने हुए हैं, ये नारोवाल डिस्ट्रिक्ट लगता है। ये देखिए दोस्तों, ये है भाई अजीता सिंह जी बाजार। यहाँ पे मेडिकल सेंटर भी है। और ये देखिए ये लगी हैं दुकानें। ये यहाँ का पाकिस्तान का है बैंक, HPL ATM। देखिए भाई लोग, हम लोग पहुँच गए फेमस मुल्तान सोन हलवा की दुकान पे और यहाँ से हम सोन हलवा लेके जाएंगे। हमने बहुत YouTube पे देखा था। भाई जी आपका नाम की? जाहिद मुनव्वर। जाहिद मुनव्वर, आप कहाँ से? मुल्तान से। मुल्तान से ही। ये है पूरी यहाँ की मार्केट। ये देखिए यहाँ इत्र वित्र कपड़े सब कुछ है। दोस्तों यहाँ पर दर्शन बहुत अच्छे से हुए और दर्शन होने के बाद मैं ज़्यादा देर गुरुद्वारे नहीं रुका क्योंकि मुझे वापस अमृतसर भी लौटना था, इसलिए मैं जल्दी आ गया। बाकी संगत वहीं पर रुकी हुई थी और इसी कारण से मैं अभी बस में, पूरी बस में अकेले जा रहा हूँ। आप देख सकते दोस्तों, फाइनली हम लोग दर्शन करके वापस आ गए हैं और अब इंडिया वापस जा रहे हैं। ये देखिए ये पाकिस्तान का गेट है। और ये इंडिया का सामने गेट। और ये सफ़ेद पट्टी आप देख रहे हैं, ये है ज़ीरो लाइन जो मैं क्रॉस करने जा रहा हूँ। पहुँच गया मैं इंडिया, लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आगे जी हम इंडिया वापस दर्शन करके पाकिस्तान से करतारपुर साहिब से। ये देखिए हमारा इंडियन इमिग्रेशन ऑफिस अंदर से कुछ ऐसा बना हुआ है।
दोस्तों करतारपुर कॉरिडोर एक वीज़ा फ्री कॉरिडोर है, यहाँ आने के लिए आपको कोई वीज़ा नहीं लगता। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूँ कि यहाँ आपके पासपोर्ट पर कोई स्टैम्प भी नहीं लगेगी, तो आप लोग यहाँ आराम से आके दर्शन कर सकते हैं। बस आपको यहाँ आने से 10-15 दिन पहले अप्लाई करना पड़ता है, जिसके बाद आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होती है, और फिर यहाँ आने से 1 या 2 दिन पहले आपके पास ETA फॉर्म आ जाता है, और उसको ले जाकर आप यहाँ ट्रैवल कर सकते हैं। बस आपको पासपोर्ट, ETA और RT-PCR की रिपोर्ट लेकर यहाँ आना पड़ेगा, और $20 कैरी करने पड़ेंगे, जो कि आपको पाकिस्तानी गवर्नमेंट को वहाँ पर सब देने पड़ते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।